असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज राय मलिक एंड आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेन्थ आज हम डिस्कस करेंगे सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ चैप्टर नंबर थर्टीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक थर्टीन पॉइंट टेन सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं वो चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं जो मूव नहीं कर रहे होते उन चार्जेस की स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लियर अब इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नुकसाना क्या क्या हैं सो द फर्स्ट वन इज लाइटनिंग लाइटनिंग क्या है नॉर्मली आपने देखा होगा जब बादल आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से एक बिजली चमकती है उस चीज को हम कहते हैं लाइटनिंग ओके सो पहले हम स्टडी करते हैं इसके बारे में द फेनोमिना ऑफ लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच बिल्ड अप इन द देवी थंडर क्लाउड द फेनोमिना ऑफ लाइटनिंग अकर लाइटनिंग कब अकर होती है ड्यू टू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब इलेक्ट्रिक चार्ज की लार्ज क्वांटिटी आपस में स्ट्राइक करती है बिल्ड अप इन अ हैवी थंडर क्लाउड जो कि कब बिल्डअप होते हैं जब हैवी थंडर क्लाउड होता है ठीक है और उनमें वो चार्जेस जब आपस में स्ट्राइक करते हैं तो उनके स्ट्राइक करने से एक लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है Clear? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि क्लाउड्स जो है बेसिकली क्या होते हैं एंड एस यू नो कि क्लाउड जो है ये बेसिकली वॉटर के मॉलिक्यूल से मिलकर क्लाउड्स बनते हैं सो वी कैन राइट एज कंबाइनिंग वॉटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म क्लाउड्स यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि क्लाउड्स किस तरह डेवलप होते हैं किस तरह बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो कंबाइन होकर क्लाउड्स बना देते हैं अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर लाइटनिंग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं उसको डिस्कस करते हैं फर्दर द डिलपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अब होता क्या है कि जब डिफरेंट क्लाउड्स आपस में स्ट्राइक करते हैं अब क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि क्लाउड्स किससे मिलकर बने हैं वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बने अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इनके स्ट्राइक करने से एक इलेक्ट्रिक चार्ज इनके ऊपर डिवेलप हो जाता है ओके okay. सो so, हम लिख सकते हैं दैट ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज डिवेलप उसको डिवेलप नहीं कहेंगे इंड्यूस्ड कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस क्लियर अब वाटर मॉलिक्यूल्स और एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई उस फ्रिक्शन की वजह से उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया उन वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर सो नाउ वी कैन से कि हमारे क्लाउड्स अब क्या हो गए हैं चार्ज हो गए हैं अब एक वक्त आता है कि ये चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि इस चार्ज की वजह से जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर प्रेजेंट हैं उनके ऊपर भी एक चार्ज डिवेलप हो जाता है ड्यू टू द फर्नोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सो हम लिख सकते हैं यहां पर इट इंड्यूसेस ऑपोजिटली चार्ज ओन द Objects प्रेजेंट ऑन अर्थ और ये सब कब होगा When द charges ऑन क्लाउड्स इज फिशियंटली हाईके okay. जब क्लाउड्स के ऊपर जो चार्जेस है वो जब सफिशेंटली हाई हो जाएंगे तब क्या होगा कि यह चार्जेस जो है इलेक्ट्रोस्टाटिक इंडक्शन के फेनोमिना के थ्रू उन ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिवेलप करेंगे जो ऑब्जेक्ट कहां पर प्रेजेंट है ग्राउंड पर प्रेजेंट है क्लियर अब क्लाउड्स पर सम काइंड ऑफ चार्ज है और ऑपोजिटली चार्ज है वो डिवेलप हो चुका है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि ग्राउंड पर प्रेजेंट है सो so, अब यहां पर चार्ज दोनों डेवलप हो गए दैट्स मीन इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगी अब लाइटनिंग तब अकर होती है जब क्लाउड्स के ऊपर से एक चार्ज जो है वो जंप करके नीचे आ जाता है जमीन पर अब जैसे ही वो जंप करके नीचे आता है तो नीचे जो है वो ऑपोजिटली चार्ज प्रेजेंट है और जैसे ही वापस में मिल जाते हैं तो एक लाइटनिंग जो है वहां पर अकर हो जाती है ओके सो वी कैन राइट एज The charge on cloud jumps to the ground with a violent spark. एंड एक्सप्लोजन तो क्या होगा कि क्लाउड्स पर वो चार्ज मौजूद हैं वो जम करके नीचे आएंगे और जैसे ही वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि चार्ज है उसे जब वो स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर एक वॉयेंट स्पार्क प्रोड्यूस होगा और स्पार्क को बेसिकली हम कहते हैं कि वहां पर लाइटनिंग जो है वो अकर हो गई है क्लियर आई होप ये हैजर्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइटिंग जो है वो बेसिकली किस तरह से अकर होती है नाउ द क्वेश्चन इज के अब हम इस लाइटिंग से किस तरह से बच सकते हैं अपने आप को सेव कर सकते हैं सो हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस लाइटनिंग सो द प्रिवेंशन फ्रॉम लाइटिंग लाइटिंग से बचने के लिए हम बेसिकली लाइटनिंग कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये कंडक्टर्स कहां पर प्लेस किए जाते हैं इनको बेसिकली प्लेस किया जाता है उन बिल्डिंग्स के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा टॉल हो ऊंची हो सबसे हाइट पर हो बिकॉज ऑब्वियसली लाइटनिंग जब वो बादलों से आनी है तो सबसे पहले जो भी उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसने उसको जाकर स्ट्राइक करना है अब अगर हम वो लाइटनिंग कंडक्टर्स किसी हाई बिल्डिंग्स पर लगाते हैं जो कि बिल्डिंग्स बहुत ऊंची हैं, बहुत टॉल हैं हम उन पर लगाते हैं सबसे पहले वो बिजली जो है वो आकर उन लाइटनिंग कंडक्टर्स में जाएगी और उन लाइटनिंग कंडक्टर्स को फर्दर ग्राउंड कर दिया जाता है और इस तरह से वो सारी की सारी जो लाइटनिंग है वो उन कंडक्टर्स के थ्रू होती हुई वो ग्राउंड में चली जाती है इस तरह से हम इस लाइटनिंग से बच सकते हैं सो वी कैन राइट इट एज कि हम इससे किस तरह से प्रिवेंट हो सकते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रिवेंट अस फ्रॉम लाइटनिंग नाउ जो लाइटनिंग एक लाइटनिंग जो प्रोड्यूस हो रही है इसमें बेसिकली थाउजेंड मिलियन जाउल जो है एनर्जी प्रेजेंट होती है और ये थाउजेंड मिलियन जाउल एनर्जी जो है ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि अगर आप कैटल में जो पानी है उसको अगर आप, तो आप, आप, आप लाइटनिंग में कितनी ज्यादा एनर्जी है और ये जो एक लाइटनिंग है ये इतनी ब्राइट होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम हंड्रेड uh, वॉर्ड्स के टेन रेसो तो दावर सेवन बल्ब अगर आप यूज करें तो उनसे जो ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है इसकी ब्राइटनेस उससे भी ज्यादा होती है ओके सो एमसीक्यूज़ में आ सकता है आप आ, मैं यहां नोट डाउन कर रहा हूं कि एक लाइटनिंग में थाउजेंड मिलियन जाउल एनर्जी प्रेजेंट होती है ओके नाउ द नेक्स्ट हैजर्ड दैट इज फायर और एक्सप्लोजन तो फायर और एक्सप्लोजन नॉर्मली कहां पर होती है और ये बेसिकली किस तरह अकर uh, होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है ये प्रोड्यूस होती है जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्ट्राइक करते हैं ओके सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज बिल्ड अप टूबेक्ट स्ट्राइक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जब पेट्रोल को पंप किया जाता है वेकल में या कंटेनर में तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि जब पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी में या बाइक में पेट्रोल भरा जा रहा हो तो आप इंजन को ऑफ कर दें क्यों कहा जाता है ताकि आपकी जो गाड़ी है या जो भी बाइक है वो वाइब्रेट ना कर रही हो क्योंकि जब पेट्रोल बेसिकली जब निकल रहा होता है अब देखें आप पेट्रोल जो है वो उस नोजल से निकल रहा है पेट्रोल कंटेक्ट कर रहा है नोजल के साथ अब जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कंटेक्ट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है अब उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पर आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज पेट्रोल इज हाईली एक्सप्लोजिव That's why वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं सिमिलरली आपकी बाइक या गाड़ी अगर स्टार्ट है तो वो वाइब्रेट कर रही है तो जब पेट्रोल जब उसके अंदर जा रहा है तो वो भी पेट्रोल जाकर उसकी बॉडी से स्ट्राइक कर रहा है अब क्योंकि वो वाइब्रेट कर रही है दैट्स वाई वहां पर भी फ्रिक्शन की वजह से एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ओके okay? सो so, इसके लिए जो प्रिवेंशन है कि हम उस नोजल को अगर हम एक अर्थिंग से अटैच कर दें और उस अर्थिंग स्टैप को फर्दर ग्राउंड कर दिया जाए तो अगर फ्रिक्शन की वजह से वहां पर कोई चार्जेस डिवेलप हो भी रहे हैं तो वो चार्जेस जो है वो उस अर्थिंग स्टैप से होते हुए वो ग्राउंड हो जाते हैं तो इस तरह से आपके जो एक्सप्लोजन के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं क्लियर और द सेकेंड एग्जाम्पल वेन वी गेट आउट ऑफ कार सिमिलरली जैसे हम कार से बाहर आ रहे होते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि हम कार में जब बैठे हुए एक सीट के ऊपर तो उसमें भी हम हिलते हैं और मूव करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वापस में स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसमें भी आपके जो क्लोथ हैं उनके ऊपर भी चार्जेस डिवेलप हो सकते हैं सिमिलरली वैन रिमूव आर्टिकल ऑफ क्लोथ थिंग सिमिलरली जब आप आ, कपड़ों को रिमूव कर रहे होते हैं ठीक है तब इसमें भी क्या होता है कि आपके कपड़े आपस में जो है वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं इसमें भी चार्जेस जो है वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं बिकॉज फ्रिक्शन ऑब्वियसली यहाँ पर भी हो रही है सो एरोप्लेन बॉडी गेट्स चार्ज ड्यूरिंग फ्लाइट जब एरोप्लेन फ्लाइट करता है तो एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर भी चार्ज डेवलप हो जाते हैं और सिमिलरली जब एरोप्लेन लैंड करता है तो उसके टायर जो है चार्जेस सारे जो है वो ग्राउंड हो जाते हैं क्लियर सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्जेस जो है वो किस तरह से डेवलप होते हैं नॉर्मली जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कंटेक्ट करते हैं वहां पर फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और उन चार्जेस की वजह से कहीं पर भी आग लगने का या एक्सप्लोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं क्लियर नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर वेरी डेंजरस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है इफ स्टार्टिकार्जेस आर अलाउड टू डिस्चार्ज इन एन एरिया वेयर देयर इज वैपर्स ऑफ पेट्रोल दायर कैन अकर सिमिलरली जो स्टार्टिक चार्जेस जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे कपड़ों पर भी हो सकते हैं या इवन के अगर आप गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं तब तब भी हो सकते हैं वहां पर भी static charges, तो गर, static charges, अगर उनको हम डिस्चार्ज करते हैं इन दैट्रोल तो वहां पर आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं दैट्स वाई हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि हम जब भी पेट्रोलिंग स्टेशन पर जब हम पेट्रोल को भरा जा रहा होता है तो आप अपने इंजन को ऑफ कर देते हैं बिकॉज वहां पर आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो ये थे कुछ हैजर्ड्स ऑफ स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी तो आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर अल्लाह हाफिज